हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी पाइनएप्पल केक रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पाइनएप्पल केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप दही लिया है। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही हमारी बहुत ही अच्छी तरह से फेंट गई है। अब हम इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। 1/3 कप हम यहाँ पर ऑयल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल है, आप बटर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे फेंट लिया है। अब हम इसमें 1 कप मैदा डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। अगर आपके पास ये दोनों ना हो तो आप इसमें 1 टीस्पून इनो डाल सकते हैं। 1 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस डाल देंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें मिल्क डाल के इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे। तो 1/2 कप मिल्क लिया हमने रूम टेम्परेचर पे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, नहीं तो एक साथ डालने से ये पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा और इसको एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी का हमें बना लेना है। सारी चीज़ें हमें रूम टेम्परेचर पर लेना है, ठंडा या गर्म बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करते जाएंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही स्मूथ बैटर तैयार है, बिल्कुल लम्स फ्री। 1/2 कप मिल्क में 1 टेबल स्पून मिल्क बच गया है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो चुका है। अब यहाँ पर हमने एक केक टिन लिया है, इसे अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप बटर भी ले सकते हैं, बटर पेपर भी लगा सकते हैं आप इसमें। केक बैटर को अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा बैटर तैयार है। केक टिन को बिल्कुल फुल नहीं भरना है क्योंकि ये अच्छी तरह से फूलेगा। टैप कर लेंगे इसको हम। अब हम इसे कढ़ाई पर बनाएंगे, तो कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं, कवर हटा देते हैं, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। केक टिन को रख देंगे, इसे बेक होने में 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। अब इसे कवर कर देते हैं, 20 मिनट में एक बार जरूर चेक कर लें। हमारे केक को बेक होने में 20 से 22 मिनट हो गए हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से फूला है। एक टूथपिक डालकर जरूर चेक कर लीजिए, अगर ये कच्चा है तो आप इसे 5 मिनट के लिए और रख दीजिएगा। ये एकदम क्लीन आ रहा है, देखिए। इसे बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। केक हमारा हल्का ठंडा हो गया है तो इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठंडा होने पर ना निकालें, नहीं तो ये मोल्ड से बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बहुत ही स्पंजी, बहुत ही फ्लफी हमारा केक तैयार है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम डबल लेयर का बनाएंगे, तो इसे हम बीच से कट कर लेते हैं। आपको जितने लेयर का बनाना है आप उस हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। तो एक नाइफ से हमें इसे बहुत ही स्मूथली कट कर लेना है। इसकी स्पंजीनेस आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजिली हमारा केक कट हो गया। ये देखिए बहुत ही जालीदार केक बनकर तैयार है। यहाँ पर हमने विप क्रीम बनाकर तैयार कर ली है, 1/2 कप विप क्रीम से। इसमें हमने येलो कलर ऐड किया है पाइनएप्पल कलर के लिए, और पाइनएप्पल एसेंस भी हमने विपिंग क्रीम बनाते समय ही डाल दिया था। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसे पाइपिंग बैग में भर लेंगे और इसी से हम डेकोरेशन भी करेंगे। शुगर सिरप के लिए हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून पाउडर चीनी को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब शुगर सिरप हमें बहुत ही अच्छी तरह से डाल देना है। केक हमारा स्पंजी है इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। अब हम इसमें व्हिपिंग क्रीम लगा देते हैं और अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का हमें कर लेना है, और इसके ऊपर हम सेकंड लेयर भी लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रूट्स या फिर नट्स या फिर चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं, तो सेकंड लेयर भी लगा देंगे। बहुत ही इजीली ये पाइनएप्पल केक बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर घर में तैयार हो जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर। तो इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से लगा देते हैं हमारी व्हिपिंग क्रीम, और इसे अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे किसी भी स्पैचुला, चाकू या फिर पैलेट नाइफ से। तो अच्छी तरह से सभी तरफ हम लगा देते हैं इसे। ये देखिए हमने इसे कार्ड से अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया है इस तरह से। अब हमने यहाँ पर एक स्टार नोज़ल ले लिया है, पाइपिंग बैग में हमें भर लिया है हमारी व्हिपिंग क्रीम, और साइड में हम इस तरह से इसमें डिज़ाइन देते जाएंगे तो बहुत ही अच्छे इसमें एक लुक आ जाएगा। सभी तरफ इस तरह से हम डिज़ाइन बना लेंगे।
ये देखिए हमने डिज़ाइन बना ली है। अब इस तरह से हम इसे लंबे लंबे में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे एक पैटर्न बनकर तैयार होगा। व्हिपिंग क्रीम से आप अपनी मनचाही डेकोरेशन कर सकते हैं, अपने मनपसंद नोज़ल से आप मनपसंद डिज़ाइन बना सकते हैं। तो सभी तरफ हम इस तरह से लंबा लंबा करके बना लेंगे डिज़ाइन को। ये देखिए डिज़ाइन तैयार है। अब हम इसमें एक नॉर्मल सा लुक दे रहे हैं। चॉकलेट हमने यहाँ पर सिरप लिया है और इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसके ऊपर डाल देना है। आप यहाँ पर कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं, मुझे जो अच्छी लग रही थी वो मैंने कर दी है। इस तरह से अब एक टूथपिक से हम इसमें डिज़ाइन देंगे। ये देखिए बहुत ही इजीली है, ये इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथनेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस इस तरह से टूथपिक से आप इसको डिज़ाइन देते जाइए। अब साइड में हम स्टार बना देंगे, फ्लावर बना देंगे, जो भी आपको पसंद हो। तो हम आधे में ही बनाएंगे, पूरे में नहीं बनाएंगे। इसके ऊपर अब हम चेरी लगा देंगे। आप स्प्रिंकलर, टूटी फ्रूटी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप लगा दीजिए। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर सिल्वर बॉल्स लगा देते हैं जिससे देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा और बहुत ही बिल्कुल मार्केट स्टाइल से लगेगा। अच्छी तरह से सभी तरफ स्प्रिंकलर लगा लीजिए। ये देखिए सभी तरफ स्प्रिंकलर हमने लगा दिया है। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी पाइनएप्पल केक रेसिपी। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चॉकलेटी पाइनएप्पल केक रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इंस्टेंटली आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं बिल्कुल बेकरी जैसा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, आधा कप हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। दोनों चीज़ें हमारी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, एकदम क्रीमी टेक्सचर की। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप मैदा। तो मैदा पहले ही छान लें। 2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। तो मैंने 1 टीस्पून से वाले से 2 टीस्पून डाल दिए हैं। अब 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो यदि बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून ले रहे हैं तो बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून लें। तो हमने यहाँ पर 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दिया हमने। अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से स्मूथ बैटर बनाने के लिए यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो दूध हमारा हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। तो अच्छी तरह से इसे हम स्मूथ कर लेंगे। आप चाहें तो पानी से भी गूंद सकते हैं, लेकिन पानी डालने से केक का जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता और खाने में थोड़ा सा कड़वा टेक्सचर देता है। तो आप कभी भी केक बनाएं तो उसमें मिल्क का इस्तेमाल करें। तो ये देखिए बहुत ही फ्लफ़ी हमारा बैटर बन गया है। तो हमने यहाँ पर दही का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने इसमें फ्लेवर के लिए पाइनएप्पल एसेंस डाल दिया है 2 टीस्पून। आप चाहें तो वनीला फ्लेवर का भी डाल सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने आपसे पहले ही बताया था कि हमने इसमें दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो इसको फ्लफ़ी और बहुत ही जालीदार टेक्सचर देने के लिए क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टेबल स्पून विनेगर, जिसे हम चाइनीज़ फूड में इस्तेमाल करते हैं। तो 2 टेबल स्पून हम इसमें डाल रहे हैं। क्योंकि मैंने सभी सामान को डबल क्वान्टिटी में लिया है इसलिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाला है। यदि आप इसकी हाफ क्वांटिटी ले रहे हैं तो सारा सामान आप हाफ कर दीजिएगा। तो देखिए इसमें जालियां बनना स्टार्ट हो गई हैं। अब आप कहेंगे कि आपके पास यदि विनेगर ना हो तो फिर क्या करें, तो आप यहाँ पर नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। तो 1 बड़ा नींबू का जूस आप इसमें डाल दीजिएगा। केक बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर केक टिन को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो बटर पेपर या फिर मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारा बैटर जो हमने तैयार किया है। अगर आप इसको चॉकलेटी फ्लेवर का बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर भी डाल सकते हैं अपने मनपसंद फ्लेवर का। तो हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे टैप कर लेंगे। ये केक हमारा 1 केजी का बनेगा। तो
तो आप यदि 1 kg का केक बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसे हम कढ़ाई पे बना रहे हैं तो हमने हैवी बेस की कढ़ाई ली है, प्रीहीट कर लेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, गैस को हमने हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया था। अब गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम पे कर देना है। आप चाहे तो कोई भी स्टैंड रख सकते हैं, मैं कटोरी रख रही हूँ। केक टिन को रख देंगे और इसे बेक होने में 35 से 40 मिनट लग जाएंगे, तो आप इसका ढक्कन 30 मिनट के बाद ही चेक करें और इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बेक करना है। तो हमारा केक बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है, लगभग इसमें 35 मिनट से ज़्यादा ही समय लगा है। तो आप एक बार 30 मिनट में चेक करके देख लीजिएगा टूथपिक डालकर। तो केक बहुत ही अच्छी तरह से हमारा बेक हो गया है, ये देखिए टूथपिक हमारी एकदम क्लीन है। अलग बर्तन में अलग टेम्परेचर होता है, इसलिए बर्तन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और अच्छी तरह से ठंडे होने देते हैं। केक हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए तो बहुत ही ईजिली हमारा बहुत ही फ्लफी केक बनकर तैयार है, ये देखिए। तो अच्छी तरह से हमने केक को निकाल दिया है टिन से। अब इसे हम बीच से कट कर लेते हैं। केक पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही कट करें, वरना अगर आप इसके ऊपर से आइसिंग करेंगे तो वह मेल्ट हो जाएगी। इसलिए केक को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही आप इसमें डेकोरेशन करें। तो हमने इसे अच्छी तरह से कट कर लिया है। तो ये देखिए बहुत ही जालीदार स्पंजी केक बना है हमारा। अब इसमें हम शुगर सिरप लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी में पानी डालकर इसका सिरप बना लिया है। आप यहाँ पर चेरी सिरप या फिर जो भी आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं, चॉकलेट सिरप भी लगा सकते हैं। तो अच्छी तरह से हम लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर की विप क्रीम बनाकर तैयार कर ली थी। विप क्रीम को भी विप करके आप पहले फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि वह बहुत ही टाइटली हो जाती है और बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल होती है हमारी केक बनाने में। तो केक हो या फिर केक की क्रीम, दोनों को ही अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए। तो अच्छी तरह से हम इसे स्प्रेड कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इसे स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हमारा दूसरा बेस भी हम रख देंगे। तो जो नीचे वाला बेस था वो हम ऊपर रखेंगे, जिससे कि एक परफेक्ट शेप इसमें निकल कर आएगा। तो अच्छी तरह से ये देखिए। इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से शुगर सिरप लगा देंगे और इसके ऊपर से भी व्हिप क्रीम को लगाकर अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। अच्छी तरह से व्हिप क्रीम को लगा देंगे। आप चाहें तो पैलेट नाइफ यदि आपके पास हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको केक बनाना बता रही हूँ कि जिससे कि आपको कोई भी सामान मार्केट से लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में रखे हुए सामान से ही आप बहुत ही अच्छा बिल्कुल मार्केट जैसा केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने क्रीम लगा दी है। अब इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। तो केक को हमने अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट गनास ली है, तो इसे इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा एक डिज़ाइन पैटर्न बनेगा। आप यहाँ पर अपने मनचाहे डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने चॉकलेट गनास की इसमें अच्छी तरह से ड्रिपिंग कर दी है। अब यहाँ पर जिससे हम फ्लावर बनाते हैं वो वाला नोज़ल ले लिया है हमने और इस तरह से हम इसमें एक बड़ा सा फ्लावर बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आपसे फ्लावर बनाते नहीं आता है तो आप इस तरह से अलग अलग वेरिएशन करके केक डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से एक बड़ा सा फ्लावर बन गया है। अब जैसे हम घास या फिर हेयर डेकोरेशन करते हैं, बिल्कुल वही वाला नोज़ल हमने लिया है और इस तरह से बहुत ही सिंपल देखिए हमने इसका एक छोटा छोटा फ्लावर बना दिया है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा भी लगेगा और बनाने में बिल्कुल ईजी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर हल्का सा पिंक कलर डाल दिया था क्रीम में। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पर हार्ट शेप के स्प्रिंकलर लिए हैं, जिससे कि देखने में सुंदर और अट्रैक्टिव लगेगा। आप कोई भी सिल्वर बॉयल्स या फिर जो भी आपके पास डेकोरेशन आइटम हो वो आप लगा सकते हैं। तो बहुत ही इजीली सिंपल तरीके से देखिए हमारा केक डेकोरेट हो गया है और कोई भी नहीं कहेगा कि ये मार्केट से लाया हुआ नहीं है। तो आप भी इस तरह से अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल में आपको बहुत सारे केक की रेसिपीज़ और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिलती ही रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी चॉकलेटी क्रीमी पाइनएप्पल केक रेसिपी। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।